दोस्तों, मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मेरे वीडियोस बहुत लेट आ रहे हैं। मेरे एरिया में कुछ नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से मेरा नेटवर्क ठीक से काम नहीं करता और उसकी वजह से मुझे वीडियोस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सभी के लिए वीडियोस अपलोड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप लोग ये मानते हैं कि भूत, प्रेत, आत्माएं ये सब किसी वीरान जगह पर पाए जाते हैं या कब्रिस्तान में या फिर किसी पुराने घर या हवेली में, तो आप बिल्कुल सही समझते हैं। पर इसके अलावा ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ों में भी हो सकती है जहां आपने कभी सोचा ही ना हो। दुनिया में कुछ चीज़ें या कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो इंसानी समझ और वैज्ञानिक सिद्धांतों से बेहद परे होते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही तस्वीरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने कई घरों को तबाह कर दिया। नंबर 1, लव लेटर्स। टेक्सास का ड्रिस्किल होटल अपने अंदर हो रही भूतिया और डरावने घटनाओं के चलते सारी दुनिया में मशहूर है। इस होटल के भूतिया होने का राज समंता हॉस्टेन के श्रापित पेंटिंग में छिपा है। यह पेंटिंग दुनिया के श्रापित पेंटिंग्स में से एक है। इसमें एक प्यारी सी बच्ची हाथों में गुलाब और एक हाथ में लिफाफा पकड़े हुए है। सुनहरे बालों वाली बच्ची की उम्र 4 से 5 साल के आसपास है। बच्ची की तस्वीर के पीछे एक सच्ची कहानी भी है। 4 साल की ये बच्ची समंता हॉस्टेन एक अमेरिकी सीनेटर की बेटी थी जो उसी उम्र में सीढ़ियों से गिरने पर बुरी तरह से घायल हो गई और हॉस्पिटल में जिसकी मौत हुई। साल 1887 में उसकी पेंटिंग बनाई गई और प्रदर्शनी में लगी, लेकिन कुछ समय बाद कुछ कारणों की वजह से उसे हटाना पड़ा। देखने वालों का कहना था कि पेंटिंग को 1 मिनट से भी ज़्यादा देखने पर उस लड़की के भाव बदलते दिखते हैं। कई लोगों ने पेंटिंग देखने के बाद उसी तरह की बच्ची को खेलते देखा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को भी पता नहीं। नंबर 2, द स्टेज क्राफ्ट। कोई भी पेंटर ये कभी नहीं सोचता होगा कि मेरी पेंटिंग सबके लिए एक डरावनी कला का एक नमूना बन जाएगी। जेम्स एक कमर्शियल थे और अपने काम में बहुत माहिर थे। उनके द्वारा खींचा गया एक फोटो बहुत मशहूर हुआ था जिसमें बिना सर वाला एक आदमी खड़ा दिखता है, जबकि जेम्स ये कहता है कि फोटो खींचते समय वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। जेम्स की एक आर्टिस्ट दोस्त लॉरा को ये फोटो इतनी पसंद आई कि उसने उस फोटो को पेंटिंग के रूप में बना दिया। पर पेंटिंग बनाते समय लॉरा को काफ़ी बेचैनी महसूस होती थी। बड़ी मुश्किलों से लॉरा ने वो पेंटिंग कंप्लीट किया था। पर ये लॉरा ही नहीं जिनको पेंटिंग की वजह से परेशानी हुई, बल्कि जिस ऑफिस में उस पेंटिंग को लगाया गया था उस ऑफिस में कुछ अजीब घटनाएं सामने आई। वहां के एम्प्लॉय का कहना है कि रोज सुबह दीवार पर यह पेंटिंग हमेशा टेढ़ी ही मिलती थी, जबकि रात को रोज इसे सीधा किया जाता था। साथ में ऑफिस के कुछ कागजात और कुछ सामान भी गायब होने लगा था। इन सब के बाद लॉरा ने वो पेंटिंग वापस ले ली। लॉरा के घर में कई चीज़ें टूटी मिलती थी। एक बार तो लॉरा ने खाने के टेबल पर नमक की शीशी रखी थी, लेकिन कुछ देर बाद वह नमक ज़मीन पर बिखरा मिला। लॉरा ने पेंटिंग अपने घर में लगाने के बाद किसी सिरकटे आदमी को देखने का दावा भी किया है। इसी बीच लॉरा ने कई बार अपना घर भी बदला, लेकिन पेंटिंग का श्राप पीछा नहीं छोड़ रहा था। लॉरा को एहसास तो ज़रूर हुआ होगा कि वह कौन सी मनुष्य घड़ी थी जिस समय उन्होंने ये पेंटिंग बनाई। नंबर 3, द क्राइंग बॉय। दुनिया में ऐसी कई छापित चीज़ें हैं जिनसे लोग दूर ही रहना पसंद करते हैं। ऐसी ही एक पेंटिंग ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इस पेंटिंग में मासूम सा दिखने वाला ये लड़का जिस घर में भी दिखा वहाँ हमेशा के लिए मातम छा गया। रोते हुए इस बच्चे की पेंटिंग को 1985 में इटली के मशहूर आर्टिस्ट जियोवनी ब्रगालिन ने बनाया था।
लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आखिर वो बना क्या रहे हैं। इस पेंटिंग को देखकर लोग इसे देखते ही रह गए। पेंटर ने सिर्फ यही एक पेंटिंग नहीं बनाई थी, बल्कि 1950 से ही वह इस तरह की पेंटिंग की सीरीज बना रहे थे। लोग भी इन पेंटिंग्स को बड़ी संख्या में अपने घरों के दीवारों में सजा रहे थे। लेकिन फिर इन्हीं घरों में शुरू हुआ हादसों का सिलसिला। द सन अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार एक फायर फाइटर ने इस बात का खुलासा किया कि वह जिस घर में भी आग बुझाने जाते वहाँ यह पेंटिंग मौजूद रहती। द क्राइंग बॉय की पेंटिंग हर उस घर में मिली जहाँ आग लगी होती थी। घर का सारा सामान जल गया होता था, लेकिन किसी भी घर में यह पेंटिंग नहीं जली। लगातार इसी तरह के हादसे होने की वजह से इस पेंटिंग को शापित माना जाने लगा। लोगों ने इस पेंटिंग को घरों में रखना बंद कर दिया। संयोग देखिए कि इसके बाद हादसों में भी कमी आई। नंबर 4, एंगुज्ड मैन। एक अच्छी पेंटिंग बनाने में आर्टिस्ट अपना दिल, दिमाग, खून, पसीना सब लगा देता है। लेकिन सोचिए, तब क्या हो जब एक पेंटिंग बनाने के लिए असली में ही खून इस्तेमाल किया गया हो। 2010 में इंग्लैंड के रहने वाले सीन रॉबिन्सन की दादी की मौत हो जाने के बाद एक अजीब सी पेंटिंग मिली, जिसका टाइटल था एंगुज्ड मैन, यानी कि दुखी आदमी। उस पेंटिंग में एक इंसानी आकृति दिखाई गई है जो कि चिल्ला रही है। सीन की दादी ने यह अजीब सी पेंटिंग अपने स्टोर में पिछले 25 साल से छुपा रखी थी, क्योंकि इस पेंटिंग में एक मनुष्य साया था जो कि बहुत ही खौफनाक था। दादी ने यह भी लिखा था कि यह पेंटिंग एक ऐसे आर्टिस्ट ने बनाई थी जिसने पेंट के साथ अपना खून इस्तेमाल किया था, और उसने पेंटिंग बनाने के फौरन बाद सुसाइड भी कर लिया। पर सीन इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था, तो उसने यह पेंटिंग अपने घर में ही टांग दी। लेकिन इस पेंटिंग को घर में लगाने के बाद सीन की बीवी और बेटे को घर का माहौल बड़ा मनुष्य और डरावना सा लगने लगा। कई बार तो परिवार के सभी सदस्यों ने काली परछाई इधर से उधर जाते हुए देखी थी। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हुए भी दिखे थे। उस पेंटिंग के पास एक आदमी के रोने की आवाज़ भी आनी शुरू हो गई। सीन ने उस पेंटिंग के आसपास होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैमरे में कैद करके यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया, शायद इसलिए कि उसे कोई देखकर उस पेंटिंग के बारे में कोई जानकारी दे सके। पर सीन के इस वीडियोस पर 20 लाख से ज़्यादा व्यूज होने के बाद भी किसी ने भी पेंटिंग की कोई जानकारी नहीं दी। आप इसकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर इसके वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हो। नंबर 5, द रेनिंग वूमन। द रेन वूमन पेंटिंग भी दुनिया की सबसे श्रापित पेंटिंग्स में से एक है। इस पेंटिंग को पहली बार देखने से कुछ अजीब सा देखने को मिलता है। इस पेंटिंग को यूक्रेनियन आर्टिस्ट स्वेटलाना टिलेट्स ने बनाया था। टिलेट्स कहती है कि जब वो इस पेंटिंग को बना रही थी तब उसे किसी रहस्यमय ताकत का आभास हुआ था, और उसी अनजान ताकत के चलते उन्होंने इस पेंटिंग को सिर्फ 5 घंटों में ही बना डाला। उन्हें हर पल ऐसा लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है, पर जब वो उस ओर देखती थी तब वहाँ कोई नहीं होता था। इस पेंटिंग को बहुत लोगों ने खरीदा, पर जिसने भी खरीदा वो इसे कुछ समय बाद टिलेट्स को वापस दे जाता। उनका कहना था इस पेंटिंग को उनके घर में ले जाते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है, और उन्होंने ये भी बताया कि उनके घर में अजीबोगरीब डरावनी आवाज़ें भी उन्हें इस पेंटिंग को घर में लाने के बाद से ही सुनाई देने लगी थी। आपको क्या लगता है, क्या कोई पेंटिंग किसी को डरा सकती है, या ये सिर्फ लोगों द्वारा फैलाया हुआ एक अंधविश्वास है? नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारे मिस्ट्रेस लैंड चैनल को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आपको हमारे यूट्यूब चैनल मिस्ट्रेस लैंड के सारे अपडेट्स इंस्टाग्राम पर भी मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो कमेंट्स कर मुझे ज़रूर बताएं। मैं हर 3 दिनों में आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बगल वाली घंटी दबाना मत भूलना। अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियोस पर क्लिक कर
उसे भी देखिए या फिर बाद के लिए सेव कर लीजिए।